आप मुझे ये बताइए, कहीं आपकी कोई लॉटरी तो नहीं लगने वाली है, या फिर कहीं आपको कोई अलादीन का चिराग तो नहीं मिलने वाला है? अगर ऐसा नहीं है तो ये वीडियो तो आप ही के लिए है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ नेहा नागर फ्रॉम टेक सिचुएशन हेल्पिन। दोस्तों इतना तो हमें पता है कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और हम ये भी जानते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए टाइम लगता है और प्लानिंग लगती है। दोस्तों जिस एज ग्रुप में हम है, 20 से 30 साल के, वहां पर हम बहुत सारे डिसीजंस लेने वाले हैं, जिन डिसीजंस का इफेक्ट हमारी बाकी की लाइफ पे पड़ने वाला है। और दोस्तों हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 के बाद एटलीस्ट हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, तो हमें जितने भी डिसीजंस लेने होंगे वो इसी एज में लेने होंगे, और सही डिसीजंस लेने पर हमें फोकस करना होगा ताकि हमारी जो बाकी की लाइफ है वो थोड़ी स्टेबल हो जाए फाइनेंशियली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, और हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे आज अपनी, और आज हम अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे सिर्फ 6 सिंपल स्टेप्स में। तो पहला स्टेप तो दोस्तों ये है कि हमें अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखना है। तो सबसे पहले आप ये करिए, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाइए और एक एक्सपेंस ट्रैकर डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आप अपने सारे खर्चों का रिकॉर्ड रखिए। अगर अभी तक आपने कोई बड़ा खर्चा किया है अपनी पढ़ाई पे, शादी पे या कोई ट्रीटमेंट पे, तो वो सब नोट कर लीजिए अभी तक जो आपने किया है। उसके बाद नोट करिए कि आने वाले टाइम में कौन सा बड़ा खर्चा आने वाला है। उसके बाद नोट करिए कि आपके मंथली के कितने खर्चे होते हैं। उसके बाद आप नोट करिए कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है और मंथली कितनी है। इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि कम से कम आपकी 2 सोर्सेस ऑफ इनकम हो। सिर्फ जॉब से काम नहीं चलेगा, जॉब के साथ कोई बिजनेस भी करना होगा। सिर्फ बिजनेस से काम नहीं चलेगा, बिजनेस के साथ कोई फ्रीलांस का वर्क भी करना होगा। ये आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है वहां से स्किल सीखिए, और बहुत सारी एप्लीकेशन है वहां पर आप अप्लाई करें। और इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, हमने लॉकडाउन में देखा है कि सिर्फ एक ही इनकम सोर्सेस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, और अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हैं, हमें वो ग्रैब करनी होगी, और हमें भी कम से कम 2 से 3 सोर्सेस बनाने होंगे इनकम के, जहां से हमारी इनकम आ सके। तो दोस्तों अब आपने करना है कि अब आपको अपना एक गोल सेट कर लेना है कि आने वाले टाइम में आपको क्या क्या अचीव करना है। अगर आपको कहीं फॉरेन वेकेशंस पे जाना है, पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, या कोई गाड़ी घर लेना है, कितने साल बाद लेना है, कितने अमाउंट का लेना है, वो सब आप नोट कर लीजिए कि 10 साल बाद आपको इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो जितना भी अमाउंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसे ना आप इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करें। इन्फ्लेशन हर साल 5% के रेट से बढ़ रही है, तो आप हर साल का 5% भी ऐड कर दे, क्योंकि दोस्तों आज जो 10 लाख की वैल्यू है वो आने वाले टाइम में हो सकता है 9 लाख रहे या 8 लाख रहे, तो इन्फ्लेशन का रेट भी आपको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों अपने आप कैलकुलेट कर लिया है कि कितने अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कब पड़ेगी। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी बजटिंग करनी होगी। बजटिंग के लिए आप सुपर हिट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 50-30-20 रूल। जितनी भी आपकी मंथली की इनकम है उसका जो 50% हिस्सा है वो तो आपका जो बेसिक खर्चा है, जो कंपलसरी है, जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, वहां जाएगा। रेंट पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल, फूड है। इसके अलावा जो 30% है वो आपकी जो वॉन्ट्स है, क्योंकि जीना भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सेव करने पे फोकस नहीं रखना है, इसीलिए आपकी जो भी विशेज है वो आप कंप्लीट करें सिर्फ 30% के अमाउंट के साथ, और जो बाकी का 20% है वो आपको सेव करना चाहिए फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए। जो आपने अभी डिसाइड किए हैं गोल, आपको जो भी करना है फ्यूचर में 2 साल बाद 5 साल बाद, उनके लिए आप हर महीने 20% अमाउंट बचा के चलेंगे। अब ये 20% अमाउंट का क्या करना है, यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो दोस्तों अब आपने खर्चा देख लिया मंथली का क्या रहेगा, इनकम आपने देख ली, और अब आपने ये भी देख लिया कि कितना अमाउंट आपको सेव करना है, कितना पॉसिबल हो पाएगा सेव करना, राइट। इनकम पे ध्यान देना है बढ़ा सके, खर्चों पे ध्यान देना कम हो सके, और सेविंग पे ध्यान देना है कि वो हमारी डबल हो सके। तो दोस्तों अब इस अमाउंट को हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि जो हमारी एज है 30 के बाद की, जहां हम चाहते हैं कि 30 के बाद हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स अभी ले, क्या क्या डिसीजंस अभी ले। उसके लिए आप ये भी डिसाइड कर ले कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, कितना लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉस जितना हो सकता है उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। अब ये जो आप 20% सेव कर रहे हो, इसमें से आपको इमरजेंसी फंड निकाल के रख देना है। आप निकालेंगे जितने भी आपकी मंथली इनकम है उसका 6 टाइम्स, यानी कि आने वाले 6 महीने का जो खर्चा है वो आपके पास हमेशा सेव पड़ा होना चाहिए। उसके बाद का जो अमाउंट है वो आपको बाकी जगह इन्वेस्ट करना है।
अभी इमरजेंसी फंड क्या होता है, कोई भी आपको इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट पड़ती है कैश की, मनी की, तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, या फिर इमरजेंसी ना कहो तो अपॉर्चुनिटी की, कहीं आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है कहीं इन्वेस्टमेंट करने का और आपको लग रहा है कि वहां इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, तो आपके पास इतना अमाउंट 6 times ऑफ योर मंथली इनकम हमेशा पड़ा होना चाहिए ताकि आपको सही टाइम पर आप उसे इन्वेस्ट कर सके या फिर खर्च कर सके जहां भी जरूरत पड़े। अब ये जो अमाउंट आपने सेव किया है 6 times ऑफ योर मंथली इनकम, इसको आप कहां रखेंगे? आप इसको कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, FD में रख सकते हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर्स में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में अपना ये पैसा सेव कर रहे हैं वो इजीली विड्रॉ हो सके और उसमें विड्रॉ करने के बाद आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ना कटे। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि अभी इस टाइम पर आप कोई बैड लोन ना लो। बैड लोन मतलब जिसका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है और अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको डेट सेटलमेंट चूज करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। तो ये बैड लोन्स आप ना लो, जैसे कि पर्सनल लोन पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं। अच्छे लोन्स कौन से होते हैं? जैसे कि होम लोन जो कि काफी सस्ता मिलता है और इसके साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। टैक्स बेनिफिट का मतलब है कि अगर आप होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इनकम टैक्स में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि टैक्स का अमाउंट थोड़ा सा आपको कम हो जाएगा। इंश्योरेंस कराना भी जरूरी है, जैसे कि गाड़ी का तो कंपलसरी है लेकिन हेल्थ का भी कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल बिल बहुत ज्यादा आ जाते हैं और एक टाइम पर शायद हम वो अफोर्ड ना कर पाए, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो फैमिली में सभी मेंबर्स का होना चाहिए और इसका जो प्रीमियम हम पे करेंगे उसमें हमें टैक्स डिडक्शन भी मिलेगी। और दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए क्योंकि हमने लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में देखा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, तो लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कौन सा? टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जो सिंपल वाला होता है, क्योंकि इंश्योरेंस को सिर्फ इंश्योरेंस की तरह लेना चाहिए, सिक्योरिटी की तरह, ना कि इन्वेस्टमेंट की तरह, क्योंकि काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज है जो आपको इसे इन्वेस्टमेंट बनाकर बेचती है और जो इनका प्रीमियम है फिर वो दुगना तिगना हो जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो बेसिक टर्म प्लान होता है वो आप ले सकते हैं, उसके साथ जो क्रिटिकल इलनेस कवर होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस यानी कि कोई कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में फिर ये कंपनी जहां से आप इंश्योरेंस ले रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ये अमाउंट दे देती है ट्रीटमेंट के लिए। तो आप जो बेसिक टर्म प्लान है उसके साथ क्रिटिकल इलनेस का कवर भी ले सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ वही लोग ले जो अर्न कर रहे हैं और जिनके डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट यानी कि उनके फैमिली मेंबर्स, वाइफ, पेरेंट्स, बच्चे, जो उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी सिचुएशन की वजह से आप नहीं रहते हैं तो एटलीस्ट आपकी फैमिली फाइनेंशियली तो सर्वाइव कर पाए। टर्म इंश्योरेंस जितना जल्दी आप ले लेंगे उतना ही प्रीमियम आपको सस्ता पड़ेगा, जितना आप लेट करेंगे प्रीमियम उतना महंगा होता जाता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल बढ़ता रहता है और इसमें भी डिपेंड करती है एज। इसके अलावा दोस्तों आपको रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग यानी कि आप किस एज पर रिटायर होने वाले हैं ये भी आप पहले से डिसाइड कर ले। रिटायरमेंट के बाद आपको मंथली का कितना खर्चा चाहिए होगा ये भी आप कैलकुलेट कर ले। गूगल पर बहुत सारे रिटायरमेंट प्लानिंग के कैलकुलेटर है, वहां जाकर आप अपना अमाउंट पर महीने का कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उसके लिए अभी से फंड्स जमा कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मंथली का कुछ अमाउंट कुछ साल तक, तो जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद आप 40% अमाउंट तो विड्रॉ कर पाएंगे और जो बाकी का 60% है वो आपको पेंशन की तरह हर महीने मिलने लग जाएगा। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और नेशनल पेंशन स्कीम में जो भी आप मंथली का पे करेंगे इसमें आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलेगी। टैक्स प्लानिंग भी जरूरी है क्योंकि टैक्स जितना कम हो सकेगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है। तो अगर हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि हमारे फ्यूचर गोल्स में तो मदद कर ही रहे हैं, अभी के लिए हमारा जो टैक्स बर्डन है वो भी कम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है तो आप गोल्ड में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पर रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई गोल है जैसे कि बच्चे की पढ़ाई हो या कोई भी गोल है, उसके लिए आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड ही होते हैं, कंपेरेटिवली स्टॉक मार्केट से थोड़े कम रिस्की होते हैं म्यूचुअल फंड, तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने खर्चों और इनकम का रिकॉर्ड रखेंगे, 2 से ज्यादा इनकम सोर्स जनरेट कर लेंगे और आप 20% सेव करना स्टार्ट कर देंगे मंथली का। इमरजेंसी फंड में आप अमाउंट रखेंगे अपनी मंथली इनकम का 6 times, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम में, टर्म इंश्योरेंस लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में भी इन्वेस्ट करेंगे, गुड लोन लेंगे, बैड लोन नहीं लेंगे और टैक्स प्लानिंग भी करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो आप साल का 20% अमाउंट सेव कर रहे हैं इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी अपस्टॉक, विच इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन ब्रोकर, विच इज बैक्ड बाय रतन टाटा, जो आपको दे रहा है फ्री में
डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। और दोस्तों 30 दिन के लिए आपको 500 रुपीज तक का क्रेडिट मिल रहा है ब्रोकरेज का। इसके अलावा फ्री डिलीवरी ट्रेडिंग है फॉर एवर, जिसका लिंक दोस्तों मैंने बायो में दिया हुआ है। तो आप आज ही जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आज से ही स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में सभी पॉइंट्स को और डिटेल में डिस्कस करने के लिए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लिंक बायो में है, अपना अकाउंट जरूर ओपन कराइएगा। थैंक यू सो मच।